हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मेक बी सिंपल में। गाइस आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं करेले की सूखी सब्जी। करेला तो आपने कई बार खाया होगा और कई तरीकों से खाया होगा। आज मैं आपको अपने तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको करेले की रेसिपी बना के दिखाऊंगी, जो बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इस करेले की रेसिपी को आप कहीं भी सफर में ले जा सकते हैं। इसे पूरी का पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ मैंने करेला 250 ग्राम लिया हुआ है और करेले में 2 मीडियम साइज की मैंने प्याज लिए हुए हैं। बस हमें इन्हीं 2 चीजों की जरूरत है इस करेले की रेसिपी बनाने के लिए। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिया गया है एक छोटू सा बटन, उसको भी दबा दीजिए, जिससे जो भी नई वीडियो डालूं वो आप तक जल्दी से पहुंच सके। तो चलिए गाइस, अब हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले इन करेले को छिलनी की सहायता से, इसके जो ऊपर का छिकला होता है वो निकाल लेंगे। आप चाहे तो नहीं मत निकालिए, लेकिन मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ और हम इसको निकाल के इसको काट लेंगे और प्याज को भी हम काट लेते हैं। तो देखिए गाइस, मैंने जो करेले हैं उनको छिलनी की सहायता से इसका छिकल निकाल दिया है, आप देख सकते हैं। और गाइस अब हम इनको काट लेंगे छोटे छोटे साइज में। आप किसी भी साइज में काट सकते हैं, मैंने इसको लंबे लंबे साइज में काट रही हूँ। हमारे करेले कट गए हैं, तो अब हम इसमें थोड़ी 10 मिनट के लिए करेले में नमक डाल के रख देंगे। देखिए, मैंने आधी चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ करेलों में, जिससे हमारे करेले के नाचूत कड़वा पानी है वो निकल जाए। जिसे बच्चे भी क्या है, बच्चों को करेला कड़वे लगते हैं, तो उसके लिए हमें नमक डाल के इनका पानी निकाल देना चाहिए। ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे फिर। और इनको अब रख देते हैं 10-15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए, जिससे इनका पानी निकल जाए। तो ये प्याज भी काट के रेडी कर ली है और अब हम चलते हैं जब तक गैस की तरफ। और करेला जब तक 10 मिनट के लिए रेस्ट हो रहा है, हम प्याज को भून लेते हैं। तो देखिए गाइस, मैंने गैस को ऑन कर लिया है। अब हम इस पर रख देते हैं कढ़ाई और कढ़ाई में डाल देंगे हम ऑयल। 1 बड़े चम्मच के बराबर मैं इसमें ऑयल डाल दिया है। तेल को होने देते हैं अच्छे से गर्म। तो देखिए गाइस, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। हम ग्रेटर की हेल्प से जो हमने लहसुन की 4 कलियां ली हुई हैं, इसको हम खींच देंगे। यहाँ पे मैंने आधा चम्मच जीरा लिया हुआ है, सो बोल डाल देंगे हम इसमें। यहाँ मैंने आधा स्पून अदरक का लिया हुआ है, इसको भी हम ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर देंगे। मैं प्याज काट के रख ली थी, अब हम इसको डाल देंगे। देखिए गाइस, प्याज हमारी ये सॉफ्ट हो गई है। तो अब हमने जो करेले काट के रखे थे, अब ये डाल देंगे हम इसमें। गाइस यहाँ मैंने आधा चम्मच सौंफ दिया हुआ है, तो अब हम इस सौंफ को भी इसमें डाल देंगे। गाइस सौंफ का करेले में बहुत बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप जरूर डालिएगा जब भी आप इस तरह की सूखी सब्जी बनाएं करेले की। तो वैसे करेले की सब्जी में चाहे आप भरमा बनाओ या सूखी बनाओ, सौंफ डालोगे तो बहुत टेस्टी बनती है, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक ऐड कीजिए। मिनट हो गए, तो हम इसको चला देंगे। आप देख सकते हैं हमारे करेलों का जो कलर है वो चेंज हो गया है, और हम देखते हैं पक गए कि नहीं। आप देख सकते हैं आसानी से कटने लगे हैं, यानी हमारे करेले हैं जो पक गए हैं। अब हम इसमें बाकी सारे मसाले डाल देते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके डाल लीजिए।
1/4 टेबल स्पून हल्दी डाल रहे हैं हम वहाँ पे, और उसे चला देंगे। इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए गाइस, हमारी जो करेले की सूखी सब्जी बनके तैयार हो चुकी, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट बनी हुई है। तो गाइस, आपको हमारी करेले की रेसिपी कैसी लगी? यदि आपको हमारी करेले की रेसिपी अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, और एक बार आप भी अपने घर में मेरे तरीके से बनाए हुए करेले को जरूर बनाइए। तो फिर मिलते हैं गाइस एक नए वीडियो में, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।